कर्मेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्तु विकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया, है हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका, बनाया गया त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। अचानक आँख खुली तो आपको बिस्तर पर ना पाकर मैं घबरा गई। आप अचानक यहाँ खिड़की के पास आकर क्यों खड़े हो गए, क्या मतलब है? बस यूं ही। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर इस तरह अचानक सोते सोते उठकर खिड़की के पास खड़े रहने का क्या मतलब है? देखो शकुंतला, मैं 2 साल तक अमेरिका में रहा, ये हवाई जहाज का सफर, ये डे नाइट का डिफरेंस, मैं अभी तक एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। आप सच कह रहे हैं? क्या यही बात है? हाँ यही बात है। मैं तो सोच रही थी कि आप अनिल के बारे में फिक्र कर रहे हैं। अब अनिल के बारे में क्या सोचना, हमारा जो फर्ज था वो हमने पूरा कर दिया। आज वो एक कामयाब डॉक्टर है, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है, उसकी अपनी डिस्पेंसरी है, और जो शादी करने जा रहा है वो भी वो अपनी पसंद की लड़की से कर रहा है। तुम क्या सोची? मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, मैंने तो यही सोचा था। ऐसा करो, तुम जाकर सो जाओ। अब मैं उठ गई हूँ तो थोड़ी देर आपके पास रुक जाऊं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम हंस क्यों रही हो? हंसने की तो बात है, ये देखिए ना पूरे कागज पर क्या लिखा है आपने। अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बस यूं ही मैं कागज उठा के कुछ लिखने लग गया, सोचा कि शायद लिखते लिखते थक जाऊंगा तो नींद आ जाएगी। आप सच कह रहे हैं या कोई और बात है? कोई बात नहीं, मैं सच कह रहा हूँ शकुंतला। रात बहुत हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ, मैं अभी पानी पी के आता हूँ।
नमस्ते ठाकुर साहब। नम्रता तुम यहाँ आने की वजह? बताती हूँ ठाकुर साहब, अभी बताती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? बैठो। देखो जो कहना है जल्दी से कहो, मैं जानता हूँ तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है। ठाकुर साहब मैं आज बहुत मजबूर होकर आई हूँ आपके पास। कहो क्या बात है? ठाकुर साहब पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज वो नम्रता आपके पास नहीं आई है जिसे कि आप बरसों से जानते थे। देखो नम्रता ये पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। ठाकुर साहब शायद आप नहीं जानते कि मेरी एक बेटी भी है। ओ तो तुम्हारी एक बेटी भी है? हाँ ठाकुर साहब मेरी एक बेटी भी है और वो कॉलेज में पढ़ती है। देखो नम्रता ना तो मैं किसी कॉलेज का ट्रस्टी हूँ और ना ही मैं इस मामले में तुम्हारी कोई सिफारिश कर सकता। अरे नहीं ठाकुर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरी बेटी मधु उसी कॉलेज में पढ़ती है जिसमें आपका बेटा विक्रांत पढ़ता था और उसी कॉलेज में पिंकी भी पढ़ती है। आगे कहो। ठाकुर साहब पिंकी से विक्रांत को अलग कराने के लिए आप ही के कहने पर मैंने मधु को वहां भेजा था, याद है ना आपको? अच्छी तरह याद है मुझे। उस काम में तुम्हारी नाकामी और उसके बाद शर्मिंदगी की फांस आज भी मेरे सीने में बर्छी की तरह गड़ी हुई है। ठाकुर साहब मैं वही फांस तो निकालने के लिए आई हूं आपके पास। वो कैसे? दरअसल मेरी बेटी मधु विक्रांत के साथ पढ़ते पढ़ते उसे चाहने लगी है और अब वो विक्रांत से शादी करना चाहती है। और तुम क्या चाहती हो? मैं मधु की माँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपका बेटा विक्रांत मेरी बेटी का हाथ थामे। देखो नम्रता पहली बात तो यह है कि विक्रांत अब मेरे साथ नहीं रहता, दूसरे लफ्जों में कहा जाए उसने अपने सारे संबंध मुझसे तोड़ दिए। मान लो अगर वो मेरे साथ रहता भी तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बेटी से उसका रिश्ता जोड़ लेता? मुझे तो पिंकी से भी उसका रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं, हालांकि पिंकी एक ऊंचे खानदान से एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती है। मगर नम्रता तुमने अपने आप को हमारे बराबर का कब से समझ लिया? ठाकुर साहब आपने मुझसे न जाने कितने काम करवाए हैं, आपके इशारे पर आपने जो भी कुछ कहा है मैंने बहुत कुछ किया है आपके लिए, फिर आपके और मेरे बीच में ये छोटे और बड़े की दीवार कहां से आ गई? नम्रता अगर किसी भिखारी को लाखों रुपए भीख में दे दिए जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी हैसियत का हो गया। हम ठाकुर भूपेंद्र सिंह हैं और तुम एक हजार औरत। ठाकुर साहब क्या आप नहीं जानते कि आप नम्रता से बात कर रहे हैं? हमें ऊंची आवाज करने वाले कतई पसंद नहीं। और एक बात ध्यान से सुन लो, अपने बेटी के लिए खानदानी लड़के ढूंढना बंद कर दो और अपनी औकात मिलाओ। तो आप भी सुन लीजिए, अगर मेरी बेटी मधु को विक्रांत नहीं मिला तो वो मर जाएगी, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो फिर मैं नहीं जानती कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। नम्रता अगर तुम एक औरत ना होती तो मैं तुम्हारी जबान खींच लेता। ये कहकर आपने ये साबित कर दिया कि आप सिर्फ नाम के ठाकुर हैं। ये मत भूलिए कि आप भी एक मुजरिम हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं बाजार में बैठती हूँ और आप इस आलीशान हवेली में। अरे बाजारू औरतों के भी कुछ उसूल होते हैं, मगर आपके आपके ना कुछ उसूल है ना कोई ईमान। बहुत घटिया इंसान है आप, बहुत घटिया। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक दिन मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। मुझे बता तूने उसे अकेले क्यों जाने दिया? रोका क्यों नहीं उसे? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की,
जैसे ही रोक ले गया उसने मेरे मुंह में थप्पड़ मारा और अब भी मुझे मार रहा है। बताओ मैं क्या करूं? तू मुझे बता सकता था ना, मुझे बता सकता था ना मैं उसे रोकता जाने से। याद रख मुन्ना, अगर वो 10 मिनट के अंदर यहाँ पे नहीं पहुंचती है ना तो तू जानता है मैं क्या करूंगा तेरा। तू कहाँ गई थी? अरे कहाँ गई थी तू? तुझे कितनी मर्तबा समझाया कि इस तरह अकेले मत जाया कर, अब बोल मुझे कहाँ गई थी? सुनना चाहता है तो सुन, मैं उस एहसान फरामोश ठाकुर भूपिंदर सिंह से मिलने गई थी। क्या बे, तुझे ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था उससे जो इतना बड़ा खतरा मोड़ के उससे मिलने चली गई तू? जगताप, तुझे याद है ना हमारी बेटी मधु ने हमसे क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर उसे विक्रांत नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देगी। तो ये भूपिंदर ने क्या कहा? क्या कहा भूपिंदर ने, बोलना। रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई, अकेला रह गया है वो, सब उसका साथ छोड़ गए हैं मगर फिर भी उसका घमंड नहीं गया है। अरे घमंड वाण कह, भूपिंदर ने क्या कहा? उसने मुझे भिखारी कहा, मुझे बाजारू औरत कहा। वो कहता है वो टुकड़े फेंकता है और हम उसके टुकड़े खाते हैं। ऐसा कहा उसने? ठीक है, तू अपना दिमाग ठंडा रख। मैं काम करता हूं, मैं उस छोकरे को, क्या उसका नाम, वो विक्रांत, मैं आज ही जाके मिलता हूं उससे, उसे सारी बात पूछता हूं, देख तो लेता हूं कि वो बच्चू कितनी पानी में खड़ा है। तू चिंता मत कर, तू अपना दिमाग ठंडा रख, मिलता हूं उसको आज ही जाके। मां मैं चाहती हूं कि ये डेकोरेशन मैं अपने घर के लिए करूं। सचमुच तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, पर तुम्हें नहीं लगता कि पर्दों का रंग थोड़ा अलग होना चाहिए? मुझे भी ऐसा लग रहा है। नमस्ते आंटी। हेलो मीना। हेलो राजेश बेटा, आओ आओ, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा। वो दरअसल आंटी आजकल ऑफिस के काम से बहुत मसरूफ रहता हूँ। एक्चुअली आज ही मुझे मोदी साहब ने बुलाया था, वो है या नहीं? मोदी साहब ने नहीं, तुम्हें मैंने बुलाया था। तुमने? आओ बैठो, सारी बातें क्या खड़े होकर करोगे, मैं चाय भिजवाती हूँ। ठीक है। राजेश तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। हाँ भैया, सोच तो मैं रहा हूँ कि भाई तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, बताओ। राजेश मेरे मन में एक इच्छा है। इच्छा? जो कुछ सोचा था मैंने जीवन में मिला है मुझे, जिंदगी का दांत, प्यार, सब कुछ मिला है। और जो जीवन साथी मुझे मिला है वो तुम्हारी वजह से मिला है, बस फेरे लेना बाकी है। और ये सब कुछ करने से पहले अगर मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया तो ये मेरी खुद गर्जी होगी। अरे मीना क्या कर रही हो? राजेश तुम नहीं जानते कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है, कितना सम्मान है। जिस तरह तुमने मुझे अनिल को तोहफे में दिया है, उस एहसान को क्या मैं जिंदगी भर भुला पाऊंगी? नहीं राजेश, तुम ही मेरे आदर्श हो। तुमने ही तो मुझे समझाया कि आकर्षण और प्यार में कितना फर्क होता है। तुम मेरे हमदर्द नहीं, एक अच्छे दोस्त भी हो। तुम आज तक मेरे अच्छे दोस्त, मेरे हमदर्द ही नहीं बल्कि मेरे गुरु हो। करेक्ट, शी इज एब्सोल्युटली राइट। अरे डॉक्टर साहब तुम कब आए? मैं जब भी आया राजेश बिल्कुल सही वक्त पर आया। और देखो ना, अभी मैंने अपने बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कवर की, वो ये कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। अरे भाई तुम्हारे कारण मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला,
पर यार मैंने तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं किया। लो भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम मेरा शुक्रिया अदा कर दो। लेकिन डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा तो मुझे भी आपका करना है। वो क्यों? अनिल अगर तुम मीना की जिंदगी में नहीं आते तो हालात कुछ और होते। मैं प्रगति से हमेशा के लिए दूर हो जाता, और अगर मुझे इस जन्म में प्रगति नहीं मिलती तो मेरा ये जन्म अधूरा ही रह जाता। और इनको सुनाना है। बचा लो मुझे, बचा। सर आपकी शादी हो रही, शादी पे सेहरा लिखा ही जाएगा, वो सेहरा मैंने लिखा है। और सेहरों की जहां तक हिस्ट्री है, एक सेहरा मिर्जा नौशा ने लिखा था अपने चचा गालिब ने, और दूसरा सेहरा अब मैं लिखने जा रहा हूँ। उसके चंद शेर मैंने लिखे भी हैं, वो मैं इनको सुनाने जा रहा था। वही तो मुसीबत है, मैं शेरों से बहुत डरता। डरने वरने की कोई बात नहीं है सर, इनको ये लगा मैं शेरों के बदले में इनसे कुछ मांगूंगा। अरे मैं शायर हूँ, मैं कोई बनिया नहीं हूँ, और कुछ लेकर कुछ देकर मैं समझौता नहीं कर सकता, मैं तो सुना के रहूंगा। सागर सागर सुनो, तुम मेरी बात मानो। क्या है ना, ये जो अपने मोदी साहब हैं ये बहुत ही बिजी आदमी है। देखो इतना बड़ा बिजनेस इनको संभालना है, अपनी बेटी की शादी का पूरा इंतजाम इनको करना है। तुम ऐसा करो कोई दूसरा कद्रदान ढूंढो और उसको अपनी शायरी सुना दो। तो सर आपसे बढ़िया कद्रदान इस दुनिया में कोई दूसरा मिल ही नहीं। आपकी शादी का शेर मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, लेकिन उसके पहले जरा सा आप उस माहौल पे गौर कीजिए, सिचुएशन देखिए। आप चावल गणानांत्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणांत्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनांत्वा निधिपति गुंगवामहे, व्यसो मम आहमजा निगर्वदम्मा त्वमजा शिगर्वदम्मा, गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो। इधर गणपति विश्रम गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थजं भूफलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। अब वर कन्या खड़े होकर एक दूसरे को माला पहनाइए, ये लीजिए। अरे क्या कर रहे हो बरफुरदार, अगर अभी झुक गए ना तो सारी उम्र झुकते ही रह जाओगे। अभी तक झुक गए, अकड़े रहो अकड़े रहो। कैसे पहना तुझे? मीना मीना संभालो, कपड़ा जल जाएगा। वाह भाई वाह वाह, चलो बेटा अभी तुम चलो, अब तो तुम्हें डाल नहीं होगी। बैठ जाइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम चंद्रमसे नमो नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धवे नमः स्वाहा, ओम गुर्रवे नमः स्वाहा,
ओम शुक्रवे नमः स्वाहा, ओम शनिवे नमः स्वाहा। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाहा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तारख्यो आरिष्टनेमी, स्वस्ति नोम बृहस्पतिर्दधातु। के गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाहा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा द्रौपदी। अब आखिरी फेरे में लड़की आगे रहेगी और लड़का पीछे रहेगा। द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतय शांति ब्रह्म अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण विद्रा देवता विद्या देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता। द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण। ये लीजिए कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। अब मंगलसूत्र पहनाइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्रिंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थम परित्राण परायणम शांति स्वरूपं शांति सामा शांति रेधि सुशांत्र भवतु। अब आप दोनों पति पत्नी हुए, विवाह कार्य संपन्न हुआ। आप सबको बधाइयां हो। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी।